ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्मफल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का पाठ आगे चलता है। हमारा तृतीय अध्याय का प्रथम पाद चल रहा था वेदांत दर्शन में। अब सूत्र संख्या 16 तक हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि देखो, कोई कितना पापी हो उसको ईश्वर के न्यायालय में तो उपस्थित होना पड़ता है, ठीक है, और उन सभी योनियों का शासक एक ही है। जितने योनियां हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, इन सभी योनियों का शासक जो है एक परमात्मा है। ये विषय हमारा चला था। अब आगे आ रहा है सूत्र संख्या 17। बोलिए, विद्या कर्मणो इति तु प्रकृतत्वात्। अब ये सूत्र क्या कहता है इसका प्रश्न लिखिए। प्रश्न 17, सूत्र क्या कहता है, देखो, पुण्य कर्म करने वालों के, ये प्रश्न होगा, पुण्य कर्म करने वालों के कितने मार्ग हैं। पुण्य कर्म करने वालों के कितने मार्ग हैं और क्यों, कितने मार्ग हैं और क्यों, यह प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखिए। सूत्रार्थ 17 लिखिए, पुण्य कर्म करने वालों के, पुण्य कर्म करने वालों के विद्या और शुभ कर्मों के कारण, विद्या और शुभ कर्मों के कारण दो ही मार्ग हैं, दो ही मार्ग हैं, देवयान और पितृयान, देवयान और पितृयान। पुण्य कर्म करने वालों के दो ही मार्ग हैं, क्यों, विद्या और शुभ कर्म कारण। तो दो मार्ग कौन कौन से हैं, देवयान और पितृयान। लिख लिए, पूर्ण विराम दीजिए। आगे लिखिए, दो ही मार्गों का प्रकरण में उल्लेख होने से, ये क्यों था ना, उसका उत्तर आया, दो ही मार्गों का प्रकरण में उल्लेख होने से, दो ही मार्गों का प्रकरण में उल्लेख होने से ठीक है जी। ये हो गया सूत्रार्थ। अब देखो क्या कहता भाष्य में कि चंद्रलोक प्राप्ति ही इष्टादि कारणाम न इष्ट अनिष्ट कारणाम इत्यत्र प्रसंगे हेतु अयम अपरो, कि चंद्रलोक की प्राप्ति इष्ट कार्यों को ही होता है, होती है, मतलब तो यहाँ पर कह दिया जो पहले पढ़े थे चंद्रलोक गमन, उन पापियों का भी कुछ समय के लिए होगा या अभी घूम के आएंगे वहाँ से, यहाँ पर कहा दिया नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जो अनिष्टकारी हैं वो चंद्रलोक गमन नहीं करेंगे, वहाँ कोई इनका आवास नहीं होगा, वहाँ रहेंगे नहीं, क्यों, तो कहा अनिष्टकारिणाम, जो अनिष्टकारी हैं उनका प्रसंग यहाँ पर नहीं है। क्यों प्रसंग नहीं है, तो कहा यह देवयान, देवयान और पितृयान मार्गो प्रयत्न विद्यते, ये जो इष्टकारी लोग हैं यही लोग ही मरने के बाद में
दिव्ययान और पितृयान के मार्ग में जाते हैं। इष्ट कार्य माने पुण्य कर्मों का कर्म करने वाला, दान पुण्य परोपकार, कुआं बनाएंगे, बावड़ी बनाएंगे। पहले जमाने में इज्जत था कुआं बनाना, बावड़ी बनाना, उस जमाने में ये बोलते थे, ठीक है। हाँ, आज के ज़माने में ये पानी का वाटर कूलर लगाना, ठीक है जी, ये आज के ज़माने में पुस्तक छपाना, बांटना, वितरण करना, ठीक है, आश्रम चलाना आदि आदि। तो ये शुभ कर्म करने वालों के ही संभव होते हैं, जो अशुभ कर्म करते हैं उनके लिए अलग मार्ग है, अभी आएगा, वो और कहीं जाते हैं भाई, कहाँ जाते हैं अभी उल्लेख होगा, देखो। तो ये अभी ये तो बता दिया कि दो मार्गों में विद्या से और विद्या से देवयान अभी आ रहा है, देखो विद्या देवयानम, जो विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो विद्या पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं और शरीर छुट जाएगा तो देवयान मार्ग में जाएंगे, जैसे स्वामी ब्रह्मोहन जी थे और भी हमारे गुरुआचार्य लोग जो विद्या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं और विद्वान लोग हैं, इनका क्या होता है मार्ग, देवयान का मार्ग, इस पथिक के, इस पथ के वे पथिक होते हैं। और दूसरा कर्मणाच पितृयानम, जो कर्म करते हैं समाज सेवी हैं, समाज सेवा परोपकार का दान का काम करते हैं, धर्मशाला बनाएंगे, लंगर लगाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, शीतकाल में कंबल बांटते हैं, देखा होगा अपने, है ना, तो वस्त्र दान करते हैं, हाँ, निर्धनों के लिए कापी पुस्तक देते हैं, विवाह कराते हैं, गरीब लड़कियों का विवाह करा देते हैं, ये सब कर्म करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं। तो इनका होता है पितृयान गमन, माने ये माता पिता के पास जाएंगे, श्रेष्ठ माता पिता। और जो देवयान हैं ये देव माता पिता पास जाएंगे, विद्वान धार्मिक ऋषि महर्षि इनके जन्म में जाएं, इनके परिवार में जाएंगे, वो देवयान का मार्ग है, जहाँ रोज हवन ध्यान सत्संग उपासना वेद का पठन पाठन आश्रम जीवन जहाँ चलता है, ऋषि ऋषिका इनके पास जाएंगे वो लोग, वो देवयान का मार्ग है वो। और ये जो पितृयान वाले हैं ये सामान्य माता पिता लेकिन होंगे धार्मिक, वो भी दान पुण्य करेंगे, ऐसे जैसे दान पुण्य किए हैं ऐसे पिता माता पास जाएंगे, ये भी यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ऐसे पिता पास जाएंगे। तो इसलिए बोल दिया कि एवं उपासका नाम विद्यावताम दिव्यानम, देखो जो उपासक हैं ईश्वर के और विद्या वाले हैं, विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं, उनका तो कहा दिव्यानम, उनका दिव्यान में गमन होगा। और इष्ट पूर्त कर्मी नाम, जो इष्टापूर्त करते हैं, इनका पितृयानम होती, वो पितृयान में जाते हैं, उनका क्या होता है मार्ग, पितृयान का मार्ग होता है। तो इनका तो मार्ग होता है देवयान का मार्ग, जो विद्वान है, और इनका क्या होता है मार्ग, पितृयान का मार्ग होता है, जो दान पुण्य करते हैं। तो इस प्रकार से दो मार्ग हो गए। तो कह रहा है कि वेत्थ या अथो लोको न संपूर्यते, कि ये लोग क्यों नहीं भर जाता है, ये इतने लोक हैं, ये सब लोग भरते क्यों नहीं हैं, लोग तो मर मर के जा रहे हैं भाई, तो सभी लोग क्यों नहीं भर जा रहे हैं, ये खास करके देवयान पितृयान, ठीक है ना। तो अभी इसका उत्तर देगा, इत्यस्य प्रश्न से उत्तर वचन है यदुक्तम, कि अब इसका उत्तर दे रहा है कि अथ एतयोः पथोः न कतरेण चन तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तानि भूतानि भवन्ति, कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वहाँ जाते नहीं हैं, देवयान पितृयान में नहीं जाते हैं, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु देख रहे हैं ना भाई, तो ये कुछ लोग जाते हैं, जायस्व मृयस्व इत्येत तृतीयम स्थानम, ये देवयान का मार्ग है, पितृयान का मार्ग है, एक तीसरा मार्ग भी है, वो क्या है, जायस्व और मृयस्व का मार्ग, ये बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, दो दिन का जन्म है मच्छर बन गए, एक मास का माल मक्खी बन गए, ठीक है, ये मक्खी मच्छर चींटी है, अब जो बरसाती निकलते हैं कीड़े और बहुत जो उड़ते रहते हैं बरसात में वो भी कीड़े लाइट पास घूमते रहते हैं, ये जो योनियां हैं, ठीक है, ये जायस्व मृयस्व का मार्ग है। तो ये तो उत्पन्न होते हैं मरते हैं, उत्पन्न होते हैं मरते हैं, तो ये एक तृतीय स्थान ये है, तो तेन असोलों को न संप्रति, इसलिए लोग भरता नहीं है, ये तो घूमते रहते कीट पतंग, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, ये मनुष्य नहीं बन पाते, ये जो पापी होते हैं वो मनुष्य नहीं बनते, वो न जाते हैं देवयान में, न जाते हैं पितृयान में,
वो जाते हैं तृतीय स्थान में, ये कीट पतंग कोई बिल में रहते हैं चींटी बन करके, तो स्थान भरता नहीं है, ठीक है, इसलिए स्थान भरता नहीं है। न सुपरिद कहा तो एवं अत्र देवयान पितृयान मार्गो विद्या कर्मणि कर्म निष्पन्नो प्रतिपाद्यते। तो इस प्रकार से जो देवयान का मार्ग है और पितृयान का मार्ग है वो विद्या और सत्कर्म से शुभ कर्म से निष्पन्न होता है। तो जो विद्या पढ़ते पढ़ाते हैं जैसे हम लोग हैं, हमारा क्या मार्ग है, देवयान का मार्ग है, और जो सेवा परोपकार करते हैं, वस्त्रदान अन्नदान और प्रकार का दान करते रहते हैं, वे लोग शुभ कर्म करने वाले हैं, वो पितृयान के मार्ग में चलते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार यान मार्ग हो गए। तीसरा मार्ग हो गया वो जायस्व और मृत्स्व का, वो बार बार जन्म और मरण करने का मार्ग है, कई जन्म जब तक उनका फल भोग नहीं होगा तब तक ये 500 जन्म तक ऐसे घूमते रहेंगे, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, फिर कोई बड़ा पाप आ गया तो जाओ 4 साल के लिए और कोई कुत्ता बन जाओ या कोई और प्राणी बन जाओ, जीवन 4 साल का 5 साल का ऐसे भी चलता रहेगा, उनका मनुष्य नहीं बनेंगे वो जब तक पाप उनका चलता रहता है, जब तक फल नहीं भोग लेते हैं। इसे कहा आगे तद इत्थम विदुः ये च इमे अरण्ये श्रद्धां तप इति उपासते इति ऐसे देवयानः पंथा इति। तो वो जो अरण्य में वास करते हैं श्रद्धा और तप से ईश्वर की उपासना करते हैं वही लोग देवयान के मार्ग में जाते हैं। इति ऐसे देवयानः पंथा, किनका कहा देवयानः पंथा, कि ये इमे अरण्य में रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में रह रहे हैं ना भाई, गुरुकुल के आचार और जंगल तो हमारा है, खेत, और यहाँ भी देखो जंगल का वातावरण है, तो ऐसे जो जंगल में रहते हैं श्रद्धा से तप करते हैं ईश्वर की उपासना करते हैं वे देवयान के पथिक बनते हैं। और अथ और दूसरे लोग यह इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते, जो इष्टापूर्ति में दान देते हैं अर्थात अभाव की पूर्ति करते हैं, जो इष्ट माने चाहिए वो देते हैं लोगों को, वस्त्र है अन्न है भूमि है आदि आदि का दान करते हैं, तो वे लोग क्या होते हैं, पितृयान के मार्ग में जाते हैं। यद अनिष्टाकारणम, और देखो जो अनिष्टकारी होते हैं, ये दो तो चले गए देवयान और पितृयान में, अब कह रहा है यद अनिष्टकारणम, जो अनिष्टकारी होते हैं उनके लिए कहा है जायस्व मृयस्व इति मात्रम तृतीयम लोकम। ये हाँ जी जीने और मरने के चक्कर में घूमते रहते हैं, ये बोलते हैं जायस्व और मृत्स्व का मार्ग। तो तेषाम न तेषाम चंद्रमसी गमनम विधीयते, उनका चंद्रलोक गमन नहीं होता है, यहाँ पर मना कर दिया, वहाँ कोई निवास नहीं आवास नहीं, वहाँ का प्रवेश नहीं, तत्र कर्णफल भोग, क्योंकि यहाँ पर उनका कर्णफल भोगने का नहीं है, ठीक है ना जी, कर्म जैसे किया नहीं, वहाँ कहाँ जाकर रहेंगे, वहाँ यहाँ पर कर्मफल यहाँ गमन मतलब वहाँ निवास, वहाँ जाकर रहने को नहीं मिलेगा उनको, क्यों कर्म तो किए नहीं है तो कहाँ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। हाँ रास्ते में जो बादल है पानी है इन सब से गुजरते हुए जाएंगे, इनको चंद्रलोक कह रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे, वो जहाँ जाना है जाएंगे, अगर ये अर्थ करेंगे भाई इस स्थान से गुजरेंगे, अगर ऐसा कोई अर्थ करें तो ठीक है यहाँ से निकल जाएंगे गुजर करके, लेकिन ऐसे कोई सुखमय लोक में रह नहीं पाएंगे, वो वहाँ निवास नहीं हो पाएगा, ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। अब क्यों अभी इसको इसी को आगे खोल रहे, देखो सूत्र 18 में कि न तृतीय तथा उपलब्ध है, हाँ सूत्र 18 लिखो न तृतीय तथा उपलब्ध है। अब इसका प्रश्न लिखिए, पापियों का चंद्रलोक गमन क्यों नहीं है, देखो आ गया ना प्रश्न, पापियों का चंद्रलोक गमन क्यों नहीं है, तो उत्तर लिखे जायस्व मृयस्व इस तीसरे मार्ग में, अभी जो पढ़े ना भाई ये बार बार जन्म और मरण का मार्ग है ये, तो जायस्व मृयस्व इस तृतीय मार्ग में या तीसरे मार्ग में
मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए, देखो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए पांचवी आहुति का वर्णन नहीं है। वहाँ कोई आहुति नहीं पड़ती, वहाँ यज्ञ नहीं है, वहाँ कोई पुण्य काम नहीं है। यहाँ पर पांचवी आहुति का है, उस प्रसंग में होगा पंचयज्ञ का, तो वहाँ पर उनके लिए कोई विधान तो है नहीं भी, वो कोई आहुति दे नहीं सकते हैं। आहुति देना माने माता पिता का संपर्क भी होता है, वृदान करना, तो वो उनके लिए कोई वृदान नहीं होगा, ठीक है। उनका कोई ऐसे माता पिता मिलेंगे नहीं जो उनको श्रेष्ठ माता पिता का यहाँ पहुँचा दे, ऐसा कोई उनको नहीं मिलता। उनके लिए कोई ऐसा वृदान नहीं मिलेगा, वो तो पशु पक्षी बनेंगे, वो जुमा लीख जो होता है ना पसीने से उत्पन्न होते हैं, माता पिता भी नहीं होते वहाँ, ऐसे वो उत्पन्न होते हैं। ये क्या बोलते हैं पेड़ पौधे, हाँ उद्भिज, ये कहाँ माता पिता चाहिए इनको, बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं लोग, स्वेदज हैं और उद्भिज हैं, ऐसे प्राणी बनते हैं लोग, ठीक है ना। तो क्या लिखे तीसरे मार्ग में, उत्तर लिखे भी नहीं लिखे, लिखिए उत्तर लिखिए। जायस्व मृयस्व इस तीसरे मार्ग में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए पांचवी आहुति का वर्णन न होने से, पांच इस तृतीय मार्ग में या तीसरे मार्ग में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए पांचवी आहुति का वर्णन न होने से, पांचवी आहुति का वर्णन न होने से पापियों का चंद्रगमन नहीं है, यह मना कर दिया। पापियों का चंद्रगमन, चंद्रलोक गमन नहीं है, माने वहाँ जाके सुखमय स्थान में रहना ये नहीं होगा उनका, ये अर्थ हमको लगाना पड़ेगा। कोई सुखमय स्थान उनको मिलता हो, जाने को मिलता हो, ऐसा नहीं है, वहाँ न जा पाएंगे न रह पाएंगे। कोई श्रेष्ठ माता पिता, पांचवी आहुति माता पिता का संयोग, उसमें पंच अग्नि योग आया था ना वहाँ पर, हाँ सांख्य में सूत्र आया था, तो उसका प्रकरण कोई है, लेकिन हम यहाँ तो अर्थ ये करेंगे कि इनके लिए माता पिता की आहुति नहीं पड़ेगी, माने वृदान नहीं होगा, पांचवी आहुति का वर्णन नहीं है, मतलब हाँ कोई माता पिता पास ये जा नहीं सकते, मतलब इनका ऐसा कर्म है, ये तो कीट पतंग बनेंगे, ठीक है। ये पांचवी आहुति, इनका पांचवी हाथ का वर्णन नहीं, मतलब वो भी तो आहुति है ना। देखो अभी आने वाला है, वैसे इसमें भी हम पढ़ेंगे भी, स्त्री पुरुष विषयक आहुतियाँ उनके लिए नहीं होती हैं, अभी सूत्र 19 में आएगा ये, ठीक है ना जी, अभी आने वाला है। वो भी आहुति है जो संयोग करते हैं माता पिता, तो पिताजी आहुति प्रदान करते हैं माता के गर्भ में, हमको आहुति द्वारा पहुंचाते हैं जीवात्माओं को, तो वो आहुति उनकी नहीं पड़ती है, मतलब ये इसका अर्थ ये है। पांचवी आहुति माने माता पिता की संतान उत्पत्ति क्रिया, उसमें वृदान की विधि, वो इनके लिए नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया स्पष्ट। अब देखो सूत्र 18 का भाष्य, सूत्र लिख लिया अर्थ इसका, एक बार और बोल दूँ, जायस्व मृयस्व इस तीसरे मार्ग में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए पांचवी आहुति का वर्णन न होने से पापियों का चंद्रलोक गमन नहीं है। पांचवी आहुति लिख दिए ब्रैकेट में, वृदान की विधि, वृदान की विधि उनके लिए नहीं है, माता पिता के द्वारा, भाई मनुष्य शरीर वाला, ये लिख दिया समझने के लिए, कोई समझ नहीं आता ना तो ये समझ लेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो भाष्य, अभी इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जायस्व मृयस्व इत्याख्ये तृतीय स्थाने, ये जायस्व मृयस्व नामक तृतीय स्थान में, जायस्व माने जन्म लो, मृयस्व माने मरो, जन्मो और मरो, इस बार बार जन्म और बार बार मरण, ये तीसरे मार्ग में, ये तीसरे स्थान में पुरुषत्व प्राप्त, ये पंचम आहुति प्रसंग न तथा उपलब्ध। तो इनके लिए जो इस मार्ग में चल रहे हैं, इनके लिए पुरुष जन्म की प्राप्ति के लिए दिखाया ना, पुरुषत्व प्राप्त, ये पुरुष जन्म की या पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए, शरीर को ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए क्या कह दिया इसमें, कि पंचमी आहुति प्रसंग न तथा उपलब्ध,
ये पांचवी आवती का प्रसंग नहीं मिलता है। पांचवी आवती माने वही फ्रीदान की विधि, ये भी आवती है। पिताजी आहुति प्रदान करते हैं, माता का जो गर्भ है वो यज्ञ कुंड है, और पिताजी क्या करते हैं उसमें वीरदान करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ वो भी एक यज्ञ क्रिया है, इसलिए तो संस्कार नाम है गर्भाधान संस्कार, वो भी एक यज्ञ है, सृष्टि चरना भी एक यज्ञ है, सब भारतीय संस्कृति में सब यज्ञ हो रहा है, ठीक है जी। तो वहाँ पर उनके लिए कोई विधान नहीं है, कोई उनका गर्भाधान संस्कार नहीं होता उनका, इसलिए उनका मानव शरीर नहीं मिलता, वो तो पसीने से उत्पन्न होते हैं, वहाँ का गर्भाधान है। पेड़ पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, पेड़ को उत्पन्न होने के लिए कोई मात्रा देनी चाहिए, वो जमीन को फल कर पैदा होता है बीज, तो बस ये है। तो वर्ण्यते तस्मात अनिष्टकारिणाम कीट पतंग देह प्राप्तवाताम, इसलिए जो अनिष्टकारी हैं आगे ना कीट पतंग के देह प्राप्त करते हैं, कितना स्पष्ट कर दिया, इसलिए जो अनिष्टकारी हैं वो कीट पतंग के देह प्राप्त करते हैं, मतलब मानव शरीर में नहीं आते, मतलब सुखमय शरीर स्वर्ग उनको नहीं मिलता, यही है चंद्रलोक गमन, समझ गए। यहाँ पर जो चंद्रलोक गमन नहीं होता है मानना है, इनको अच्छा शरीर नहीं मिलता है, अच्छे माता पिता नहीं मिलते हैं, ये है चंद्रलोक गमन। हाँ माता पिता मिलेंगे नहीं, और कोई मिलेगा तो वो सांप का अंडा बनकर पैदा होगा, वो सांप का अंडा बन के होगा ना, अंडा अंडा लेकर पैदा होगा, वो अनिष्टकारी है, सांप बिच्छू बनेगा, वो बिच्छू तो बोलते हैं कि वहाँ से पैदा होता है, गोबर से पैदा होता है बोलते हैं बिच्छू, ऐसे बोलते हैं भाई, पता नहीं गोमयात जायते वृश्चिक कैसा आता है, गोमयात जायते वृश्चिक वृश्चिक गोमे से पैदा होते हैं, ऐसे आता है वर्णन, ठीक है, हम तो कभी देखे नहीं। चलो अब ये सार निकला कि जो अनिष्टकारी होते हैं उनको सुखमय लोक नहीं मिलता है, उनके लिए माता पिता उपलब्ध नहीं होने से, ये सूत्र 18 हो गया। अब 19 चलो, स्मर्यते अपिच लोके, सूत्र 19 क्या कहता है लिखो प्रश्नता इसका, क्या सभी प्राणियों को पितृयान मार्ग की प्राप्ति होती है, क्या सभी प्राणियों को पितृयान मार्ग की प्राप्ति होती है, या कुछ प्राणियों को पितृयान मार्ग की प्राप्ति नहीं भी होती है, ठीक है। हाँ अनेक कुछ प्राणियों को ये पितृयान मार्ग की प्राप्ति नहीं भी होती है, बताओ कैसे कैसे होता है, समझाओ ये कैसे होता है, समझाओ मैंने इस प्रक्रिया को समझाओ कैसे, ये कैसे होता है इसको समझाओ, तो ये प्रश्न हुआ। तो कोई शास्त्र का प्रमाण देंगे समझाएंगे उसको भाई, तो उत्तर लिखो कैसे, मतलब खाली कैसे करो तो भी चलेगा, बस कि सभी प्राणियों को पितृयान की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ प्राणियों को प्राप्ति होती है कुछ को नहीं होती है, तो ये कैसे होता है, तो इसकी हाँ क्या है ना भाई, तो क्या और कैसे, क्या तो आ गया फिर कैसे भी बताएंगे, तो लिखो उत्तर लिखो 19 का सूत्रार्थ 19, स्मृति शास्त्र में भी और लोक में भी प्रसिद्ध है कि, ये कैसे का उत्तर मिल रहा है, स्मृति शास्त्र में भी और लोक में भी प्रसिद्ध है कि सभी प्राणियों को नहीं प्रसिद्ध है कि कुछ प्राणियों को लिखो, कुछ प्राणियों को पितृयान मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है, हाँ माने उत्तर ही निकला कि कुछ प्राणियों को पितृयान मार्ग की प्राप्ति
नहीं होती है। जो प्रश्न क्या सबको हो जाती है तो सबको नहीं होती है, सभी प्राणियों को पितृयान की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको की प्राप्ति नहीं होती, तो सबको नहीं हुई मतलब। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ इतना ही है। हैं अभी वही आ गया ना, कुछ लोग तो कीट पतंग बनेंगे तो कैसे, मतलब ये स्मृति शास्त्र में भी और लोक में प्रसिद्ध होने से ऐसा है, ये कैसे को उत्तर है, कैसे मतलब ये भी भाष्य में आ रहा है कि स्मृति शास्त्र में और लोक में प्रसिद्ध है इसलिए कि सबको पितृयान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसा उल्लेख मिलता है। जैसे कि भी आ रहा है योषित पुरुष विषय के आहुति न ही केशांचित जीवानाम भवति, ये जो आया ना योषित पुरुष विषय के, कि स्त्री पुरुष के विषय में, योषित माने स्त्री लिख लो, योषित माने स्त्री, तो स्त्री पुरुष के विषय में ये आहुतियों का वर्णन नहीं मिलता है किन्हीं जीवों के लिए, माने वो गर्भाधान करते हों और संतान पैदा करते हों तो ऐसे सभी जीव के लिए नहीं करते, मनुष्य के लिए करते हैं, गौ माता को करती है और भी ये पशु आदि करते हैं, लेकिन कीट पतंग तो ऐसे गर्भाधान नहीं करते, ये आहुति प्रदान नहीं करते, यही कह रहा है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं बिना आहुति के प्रदान होते हैं, माने बिना गर्भाधान संस्कार के पैदा होते हैं, वही कह रहा है। देखो इसमें तो उचित स्मृति में कहा गया है कि संति अयोनिजः, आ गया ना भाई, कुछ जीव ये कैसे मतलब ये है कि कुछ प्राणी अयोनिज हैं, बिना माता पिता के पैदा होते हैं, योनिज माने जो योनि से उत्पन्न होते हैं, योनिज कहलाते हैं, जैसे हम लोग योनिज हैं, जरायुष प्राणी हम लोग, तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो होते हैं अयोनिज, ठीक है ना, इसलिए सबका पितृयान मार्ग गमन नहीं है। पितृयान मतलब जो पिता माता के द्वारा पैदा होते हों वो पितृयान मार्ग में गए, ठीक है, और वही मनुष्य योनि में बात चलेगी, पितृयान माने मानव के लिए, देवयान तो हमारे लिए जो विद्वान है ऋषि महर्षि पास जाएंगे, वो ऋषि महर्षि में जाएंगे ना, वो ऋषि कुल में जाएंगे, विद्वान घर में जाएंगे, ये देव पितृयान वाले सामान्य माता पिता जाएंगे, उनको पिता प्राप्ति तो होगी सामान्य माता पिता, और जो देवयान वाले हैं वो तो धर्मात्मा महापुरुष ऋषि महर्षि उच्च कोटि के विद्वान संत, उनके घर में जाएंगे वो, हाँ वो देवयान के वो मोक्ष में जाने के लिए तैयार करेंगे, ऐसे ऐसे जगह जाएंगे जहाँ को मुझ का पथ मिलेगा, और ये लोग धंधा व्यापार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, परोपकार करेंगे, ऐसे परिवार में जाएंगे, ठीक है जी। हाँ अपि लोके च, लोक भी बता रहा है कि योषित पुरुष विषय काभ्याम आहुतिभ्याम बिना उत्पत्ति युका लिक्षा दिनाम भवति, ये प्रत्यक्ष हुआ, ये प्रत्युता है, कैसे ये प्रत्यक्ष बता दिया, देखो कि बिना माता पिता के भी योषित पुरुष विषय का आहुतिभ्याम माना माता पिता के गर्भाधान के बिना भी आ गया ना उत्पत्ति भवती, उत्पत्ति होती है किसकी, युक और लिक्ष, युका कहते हैं जू 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 और लिख, जानते हैं क्या होता है लिख माने भी उसके साथ बता दो, हाँ सफ़ेद सफ़ेद नहीं भी दिखती भी नहीं, थोड़ी थोड़ी होती है वो, हाँ लिख बोलते हैं, लिख ही बोलते हैं, अंडा बोलते हैं उसको, हाँ उसका अंडा बोलते हैं, इसको लिख होते हैं, तो जुआ और लिख, तो ये ऐसा है कि उत्पत्ति होती है बिना माता पिता के, देखते हैं सिर में गंदगी हुई तो उत्पन्न हो जाएंगे वो, तो ये है अयोनि शरीर, ये प्रत्यक्ष होता है, इसलिए सिद्ध हुआ कि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं, इनको बोलते हैं पितृयान के मार्ग में वो जन्म नहीं लिया ये, ठीक है जी। अब उपसंहार कर रहा है, यतः चतुर्विधो भूतग्राम, चार प्रकार के प्राणियों के समुदाय हैं, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज आ गया, इसलिए कह रहा है तत्र स्वेदज और उद्भिजो तो अयोनिजो, अयोनिजो जो स्वेदज प्राणी हैं और उद्भिज प्राणी हैं ये अयोनिज हैं, माने बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं, दो प्राणी कौन कौन, स्वेदज और उद्भिज, और जो अंडज हैं जरायुज हैं वो तो माता पिता चाहिए उसके भाई, अंडा देगी पक्षी देंगे तो उनका तो संबंध होता है, पसीना हो गया, हाँ पसीना से उद्भिज धरती से जो फूल पैदा होते हैं
उद्भिज माने पेड़ पौधे, हाँ उद्भिज माने पेड़ पौधे जो वो फूट के पैदा होते हैं, उद्भिज उभराते हैं धरती में, उद्भिज। और स्विदज माने स्विद माने पसीना, जो पसीना से उत्पन्न होते हैं, मल से गंदगी से पैदा होते हैं। तो ये दो प्रकार के प्राणी होते हैं अयोनिज, तो इनका पितृजन्य मार्ग इनका नहीं होता है। अब अंतिम देखिए दर्शनाच्च सूत्र 20 बोलिए, दर्शनाच्च। अब इसका लिखिए, प्रश्न लिखिए फिर उत्तर करेंगे। सूत्र 20, सूत्रार्थ तो ऐसा है कि श्रुति में भी देखा जाने से अयोनिज शरीर होते हैं, यह उत्तर हुआ। इसका प्रश्न क्या बनाएंगे बताओ, श्रुति में भी देखा जाने से, ये तो उत्तर बता रहा हूँ मैं, श्रुति में भी देखा जाने से अयोनि शरीर होते हैं, तो प्रश्न क्या बनाएंगे? हाँ प्रमाण से बताओ, लिखो क्या अयोनि शरीर होते हैं, प्रमाण से बताओ। हाँ क्या अयोनि शरीर भी होते हैं, प्रमाण सहित बताओ। लिखो उत्तर, हाँ उत्तर लिखो, अयोनि शरीर भी होते हैं, अयोनि शरीर भी होते हैं श्रुति में देखा जाने से, ये प्रमाण हो गया। श्रुति श्रुति हाँ एतरे का यहाँ प्रमाण दिया है, वो लिखा देंगे। श्रुति श्रुति माना इसको, श्रुतो कहा ना भाष्य में, श्रुतो दर्शनाच्च अयोनिजत्वम के सांचित श्रुति दर्शयति, देखो है ना श्रुति यहाँ पर दिया है। कहीं कहीं पर जो है ना उपनिषद उसको भी श्रुति कहा जाता है, उपनिषद को श्रुति माना गया है। तो क्या उत्तर लिखिए, अयोनि शरीर भी होते हैं श्रुति में देखा जाने से। तो श्रुति क्या है लिखना चाहिए लिख सकते हो, जैसे कि श्रुति प्रमाण क्या है ना, प्रमाण लिख लो, देखो पुस्तक में दिया है बीजानी इतराणी च इतराणी च अंडजानी च, लिख लो पुस्तक में दिया है जारुजानी च अश्वेदजानी च उद्भिजानी च, ये डेस डेस भी कर सकते हैं, बीजानी इतराणी कर दो डेस डेस कर दे, फिर उद्भिज जानी कर दो, आरंभ के एक शब्द लिखो और अंतिम लिखो और एतरे करके तीन तीन लिख दो, ये प्रमाण हो गया। पूरा वाक्य मत लिखो, बीजानी इतराणी और डेह डेस फिर लिखो लास्ट में उद्भिज जानी च, ये प्रमाण हो गया श्रुति में। ठीक है, तो यही भाष्य इसका है कि श्रुति में देखा जाने से अयोनि शरीर भी होते हैं। तो केशांति सूर्य दर्शाती, कोई श्रुति दिखलाती है कि बीजानी इतराणी च इतराणी च अंडजानी च, कि और भी प्रकार के इसमें बीज होते हैं, जैसे कि इतराणी भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे कि अंडज एक हो जा अंडज हो गया, फिर ऐसे जारुजानी च माने जरायुज होते हैं, और स्वेदजानी च स्वेदज होते हैं, और उद्भिज जानी च माने होते हैं उद्भिज। तो अंडज जरायुज स्वेदज और उद्भिज ये चार प्रकार के प्राण समुदाय होते हैं, ये श्रुति में देखा गया है। अब आता है शंकर भाष्य में, ये भाष्य पूरा हो गया यहाँ तक इसका, अब आगे शंकर भाष्य का है। शंकर भाष्य में क्या कहा है कि ग्राम्य धर्म मैथुन के बिना स्वेदज और उद्भिज की उत्पत्ति के दर्शन से देखने में आने से यह अर्थ किया, जिन्होंने ऐसा कर्त कर दिया है, ग्राम्य धर्म कर दिया है। देखो स्वेदज उद्भिज जो अंतरण ग्राम्य धर्म उत्पत्ति दर्शनार्थ, इन्होंने ये शंकर भाषा में ये कहा है, तो लोक वर्णन इन्होंने कर दिया है, लोक शब्द पठ्यते इन्होंने ऐसा कर दिया, लोके स्मृत ऐसा कर दिया उन्होंने। हम तो हैं दर्शनाच ये सूत्र में आ रहा है, और वो क्या करते हैं लोके स्मृत, लोक में भी ऐसे कहा जाता है, हाँ
तो वो लोक का उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ देखो सभी शास्त्र में तो दिखा है दर्शनाथ, दर्शनाथ लिखा है, और वो थोड़ा उल्टा तो कर दिए। तो इसने उनका जो भाष्य है वो ज़्यादा शास्त्र के अनुकूल नहीं फिट बैठता है, जो सभी उनकी चर्चा है, सभी नीचे भी पंक्तियों में उसकी चर्चा है, तो वो मतलब इस सूत्र के अनुकूल नहीं है। तो हमारा तो इतना हो गया, बस प्रमाण दे दिए चार का, ये भाष्य पूरा हो गया। ठीक है जी, चलिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते जी।